वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। आरपीएफ का ये तीसरा वीडियो है मैथ्स के लिए, जो कि पहले पूछा गया है और आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पैटर्न आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पार्ट थर्ड वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो हमने आपके लिए उपलब्ध कराया हुआ है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। वो दो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो पे टारगेट करते हैं हम लोग 5,000 लाइक्स का, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी, सबसे पहले उस पर आप लोगों ने 7.2K के आसपास हम मुझे लाइक किया है उस वीडियो पर। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में 5,000 तो आप लोग बहुत जल्दी कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत लागत से 30% अधिक अंगित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 10% की जो है वो छूट देता है, ठीक है। एक दुकानदार है जो लागत मूल्य, मान लीजिए उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है, तो इससे 30% अधिक जो है वो अंकित करता है, यानी 130 रुपये लिख देता है उस पर प्राइस। और अगर कोई कैश में खरीदता है, नगद भुगतान करता है, तो 10% की उसको छूट देता है, यानी इसके बाद वो 10% की छूट दे रहा है। तो 130 का 10% हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 10% जब निकालेंगे तो आपके पास, ठीक है, 13 रुपये बनता है, यानी 13 रुपये की वो क्या कर रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, छूट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्काउंट जब देगा तो आपको 130 के बाद कितने का पड़ेगा, 130 -13 रुपीज़, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 117 रुपये का वो बेचता है, ये अभी बेचने की बात हुई। अब वो पूछ रहा है वास्तविकता में उसे कितना लाभ होता है, यहाँ पर सिर्फ लाभ की बात पूछी जा रही है। तो आप इसको 17 रुपये का लाभ कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये उसकी लागत थी और बेच रहा है वो 117 में, तो यहाँ पर 17 रुपये का जो है उसको सिर्फ लाभ होता है। अगर यही बात आपसे परसेंटेज में पूछा जा सकता था तो भी वही बात होती, क्योंकि यहाँ 100 रुपये था, तो 100 रुपये में 117 में बेच रहा है 100 रुपये की चीज़ को, तो 17% का लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ बटा 100 और गुने लाभ बटा क्रयमूल गुने 100, ठीक है। तो लागत भी उसकी 100 है, तो ये 100 से 100 कैंसिल होता है, इसलिए 17% होता है। तो आपसे जो आंसर पूछा जाएगा उस तरह से आपको इसको हल करना है। अगला सवाल देखिए। तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां लगी हुई है। आपने देखा होगा रेड लाइट पर अक्सर जो है वो बत्तियां लगी होती है। तो ये कह रहे हैं कि तीन अलग अलग चौराहों पर लगी हुई है, ठीक है, और ये एक साथ जो है जलती है 10:15 पर, सुबह के 10:15 पर एक साथ जलती है। वैसे 24, 36 और 54 सेकेंड के बाद ये आपस में रंग बदलती है। मान लीजिए ये 24 पर रंग बदलती है, ये 36 पर बनती है और ये 54 पर रंग बदलती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए रेड है, फिर ये ग्रीन हो जाएगी, फिर येल्लो होगी, तो आपस में रंग बदलेगी ना। तो हर बार ये 24 सेकेंड पर रंग बदलती है, ये 36 सेकेंड पर और ये 54 सेकेंड पर। तो ये कहा जा रहा है कि तीनों एक साथ कब रंग बदलेगी, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक साथ जो है वो 10:15 पर बदल रही है, उसके बाद अगली बार वो कब बदलेगी, तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले जो दिया हुआ है कि कितने सेकेंड्स के बाद जो है वो आपस में बदलती हैं, तो 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है और 54 लिखा है, यानी इनका आपको एलसीएम निकालना है। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 216। मैं यहाँ पर निकाल नहीं, आप सभी को एलसीएम निकालना जरूर आता है, तो यहाँ 216 सेकेंड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो 216 सेकेंड्स के बाद हर बार जो 216 सेकेंड गुजरेगा, तो वो लाइट जो है वो एक साथ तीनों लाइट जलेंगी, ठीक है। तो 216 सेकेंड को हम यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमसे टाइम पूछा जा रहा है। 216 सेकेंड को जब हम 60 से भाग देंगे तो 3 बार में ये 180 आएगा, उसके बाद आपके पास ये 26 बच जाएगा, ठीक है, 26 सेकेंड आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, सॉरी 36 सेकेंड बच जाएगा, 36 सेकेंड बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मिनट हो जाएगा, तो यानी 3 मिनट, ठीक है, और 36 सेकेंड के बाद हर बार जो है ये तीनों रेड लाइट एक साथ जलेंगी, 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद। अब आपके पास समय दिया हुआ है 10:15 0 सेकेंड पर एक साथ ऑलरेडी ये जल चुकी हैं, तो अब अगला 3 मिनट और 36 सेकेंड के बाद, तो ये टाइम आ जाएगा 10:18 और 36 सेकेंड पर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक समान क्षमता के 9 पाइप, मेरा देखिए मेरा मकसद है कि मैं डिटेल में समझाऊं कि सभी लोग को समझ में आए। यहाँ पर मैं कोई बिल्कुल फास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आसानी से होने लग जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि 9 पाइप जो है वो 20 मिनट में किसी स्विमिंग पूल को भरता है। एक स्विमिंग पूल है जिसको फिल करने के लिए जो 9 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, 9 पाइप लगे हुए हैं, तो वो जो है 20 मिनट टाइम लेते हैं उसको भरने में। ठीक है, कोई स्विमिंग पूल को भरने में 9 पाइप 20 मिनट लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब 9 पाइप 20 मिनट लेते हैं, तो अगर हम एक पाइप की बात करें तो वो कितना लेंगे, वो ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा पाइप लगे हैं तो 20 मिनट का समय लगता है। अब जब एक पाइप काम करेगा तो 20 × 9 यानी 180 मिनट में एक पाइप भरेगा उस पूरे स्विमिंग पूल को, तो 180 मिनट हो गया एक। अब इसको देखिए किस तरह से कर सकते, अब यहाँ पे पूछा गया है कि पुल को 18 मिनट में जो है वो कितने पाइप भर सकते हैं। तो 180 मिनट में जब एक पाइप भरता है उस पुल को, तो 1 मिनट में कितना पाइप भरेगा, 180 पाइप भरेगा, क्योंकि 1 मिनट तो समय कम हो गया ना। अब उसके बाद पूछ रहा है 18 मिनट, तो 180 बटे 18, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब ले रहा है। पहले यहाँ देखिए एक एक नियम आप सभी को पता है, तो 18 से इसमें भाग देंगे तो 10, इसलिए 10 पाइप इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 नल ए बी सी 3 नल दिया हुआ है जो एक साथ काम करते हैं, कार्यशील होकर एक टंकी को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भरते हैं। एक टंकी है, बारी बारी से अगर ये अपने आप काम करते हैं तो ये जो है इसको कितने देर में भरता है, 10 घंटे में। ये बी वाला जो नल है ये इसको भरता है 12 घंटे में, और सी वाला जो नल है इस टंकी को भरता है 15 घंटे में। यानी अलग अलग अगर काम करने के लिए इसको दिया जाए तो इतना टाइम लेते हैं ये, 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। फिर पूछा जा रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो आपको पता है ना किस तरह से काम करते हैं, इसको हम करते हैं 10, 12 और 15, इनका लेते हैं एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। हम इसको मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 60 काम है, 60 जो है इसका टोटल वर्क है, और जो ये ए है, ए इस 60 काम को कितने देर में करेगा। देखिए ए जो है अकेला इस कितने देर में करता है, 10 घंटे में करता है कितना काम, 60 काम। तो ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये करेगा 60 बटे 10 यानी 6 काम करेगा, 6 वर्क करेगा ए। उसी तरह बी कितना काम करेगा, 60 बटे 12 यानी 5 काम करेगा। उसी तरह सी कितना काम करेगा, 60 बटा 15 यानी 4 काम करेगा। ठीक है, इतना काम आपको पता लग गया। ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6, 5, 11 और 4, 15 वर्क। 15 वर्क जब ये करेंगे कितनी देर में, 1 घंटे में तीनों मिलकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की बात है, जब 15 काम तीनों मिलकर 1 घंटे में कर रहे हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस 60 काम को कितनी देर में कर लें, क्योंकि 60 ही टोटल काम है। अब ये 15 काम हो गया 1 घंटे में, तीनों मिलकर 1 घंटे में जो है 15 काम करते हैं, 15 वर्क करते हैं 1 घंटे में। एक काम कितने देर में करेंगे, 1 बटा 15 घंटे में। उसी तरह 60 काम कितने में करेंगे, 1 बटा 15 × 60 घंटे में। तो 15 से इसको 4 बार में कैंसिल करेंगे यानी 4 घंटे में ये जो है टंकी तीनों मिलकर भर देंगे। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से जब करना होगा तो आप लोग बहुत इजी करेंगे। मैं देखिए कितना शॉर्टकट में मैं इसको करूँगा, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, और देखिए बहुत ही आसानी से जब एलसीएम, देखिए सबसे पहले एलसीएम आप मन ही मन में 10, 12 और 15 का एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 60, 60 निकाल लिया आपने, तो इसके सामने आप मन में जोड़ लिए 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लिए, 6 × 5 = 11, 4 = 15, आपके पास आ गया 15। तो 15 काम करते हैं 1 घंटे में, अब ये 60 काम करेंगे कितनी देर में, आसानी से नहीं कर सकते, 60 × 15 यानी 4 4 घंटे में। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने डिटेल में पहले बताया था, अब ये शॉर्टकट में बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है, गणित और अंग्रेजी में यानी मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है, अरुण द्वारा प्राप्त अंक है वो 170 है। ठीक है, दोनों ही विषय में उसके प्राप्त अंकों का अंतर 10 हो, मान लीजिए m माइनस e इज इक्वल टू 10। अब आपके पास स्क्रीन ये आ गया कि x प्लस वाई मान लीजिए आप, ठीक है, तो x प्लस दो सब्जेक्ट हैं x और y, x प्लस वाई अगर आपसे कहा गया है 170 और x माइनस वाई कहा गया है 10। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2x। ठीक है, 170 प्लस 10 कितना हो गया, 180, x इज इक्वल टू कितना होगा, 90। यानी अगर हमने इसको x माना और इसको y माना,
ठीक है, तो अंग्रेजी के मार्क्स उसके पास कितने आ गए, 90। गणित के मार्क्स कितने हो जाएंगे अगर एक्स प्लस वाई में वैल्यू पुट करें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 170, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 90, वाई की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं 170, और यहाँ पर अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 170 माइनस 90, तो ये हो गया आपके पास 80। ठीक है, तो अब वाई वाली की वैल्यू आ गई आपके पास 80, इसकी वैल्यू आ गई 90। अब वो पूछ रहा है रेशियो, तो रेशियो कितना आसान है आपके लिए निकालना, जब दो नंबर्स दिए होते हैं तो आप रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो आप यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, इन विषयों का रेशियो जो होगा एक्स इज टू वाई आप कह सकते हैं, यानी 90:80। इसको आप 0:0 कैंसिल कर लीजिए, 9:8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रेशियो हो जाएगा, प्राप्तांकों का अनुपात पूछा गया था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।